गुरु का तत्व वो होता है जो आपको अंधकार से दूर कराता है, आपके मन में जो डाउट्स हैं उनसे आपको फ्री करता है, उसे कहते हैं गुरु, और वो होता है गुरु तत्व। मैं आपका गुरु नहीं हूं, निषाद मेरा नाम है, निषाद किशोर पांडे, मैं आपका गुरु नहीं हूं, मेरे अंदर का गुरु तत्व आपका गुरु है। ऐसे हालात हो तो क्या करे, ये करे ना करे क्या करे। मेरे ख्याल से वैसे तो आपने सुना होगा कि गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुः साक्षात परम ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः। आपने सुना ही है? तो ये गुरु मंत्र है। हम किसी भी चीज की शुरुआत जब करते हैं हमारे संगीत में या कला में तो इस मंत्र से हम अक्सर किया करते हैं। इसमें यह बताया है कि गुरु वही ब्रह्म है, ब्रह्म यानी सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सृष्टि का जो रचना जिन्होंने करी है, क्रिएटर, गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु जो पालन करता है, गुरुर देव महेश्वरा महादेव जो संहार करते हैं, एक जिन्होंने सृष्टि की, जिन्होंने रचना की वो ब्रह्म, जो पालन करते हैं वो विष्णु, और जो संहार करते हैं वो महेश्वर यानी कि महादेव। और गुरु साक्षात परम ब्रह्म, सबसे बड़े ब्रह्म, सबसे बड़ा जो है वो गुरु है, तस्मय श्री गुरुवे नमः, है ना, आप उनमें नतमस्तक करते हैं। आज मैं आपको गुरु के बारे में तो आपको पता ही है, पर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप गुरु और गुरुत्व, क्या इन दो चीजों में फर्क मुझे बता सकते हैं? गुरुत्व कहते हैं, मातृत्व कहते हैं, पितृत्व कहते हैं, ये जो त्व लगा है उस त्व का क्या मतलब है, आप समझते हैं उससे? त्व का क्या मीनिंग है? कि गुरु होता है, माँ होती है, पिता होते हैं, इसी के साथ साथ ये तीन वर्ड और जुड़ते हैं, गुरुत्व, मातृत्व और पितृत्व। ये त्व का क्या अर्थ है, कुछ अंदाजा? गुरुत्व बिलोंगिंगनेस जोड़ता है, वो किसी भी चीज के साथ में जो है, अगर माँ है तो मातृत्व से जुड़ती है बच्चे से, गुरुत्व गुरु अपने ज्ञान से शिष्य के साथ जुड़ेगा, बिल्कुल गुरुत्व से ही उनका मिलन होता है। त्व जो है बेसिकली तत्व से लिया गया है, तत्व यानी एसेंस, उसका अक्ष छोटा सा, है ना, छोटा सा अंश, उसे कहते हैं त्व, तत्व। तो गुरु तत्व जिसमें आपको दिखता है वो आपका गुरु होता है, जिसमें माँ का तत्व, माता का तत्व दिखता है वो मातृत्व कहलाता है, और जिसमें पिता का तत्व दिखे वो पितृत्व कहलाता है। जरूरी नहीं है कि वो आपका जनक हो, वो आपकी जननी हो, माता पिता, लेकिन तब भी उनमें आपको वो तत्व नजर आता है, जिसे हम कहते हैं ना, ही इज अ फादर फिगर टू मी, मदर फिगर टू मी, है ना, कि ये ही इज फादर लाइक फिगर, ये मेरे पिता की समान है, तो वो तत्व आपको उसमें दिखता है। राजा जनक का नाम आप सभी ने सुना होगा, आप दोनों ने, सीता के पिता थे, है ना, उन्होंने अपनी जिंदगी में कई जनों को अपना गुरु माना है, गुरु एक ही होता है हमारा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों को अपना गुरु माना है। उनमें से एक अष्टावक्र भी थे, अष्टावक्र वो जीव, वो इंसान जो आठ जगह से टेढ़ा है, इसलिए उसका नाम अष्टावक्र है, वक्र यानी टेढ़ा, अष्ट यानी आठ, आठ जगह से टेढ़े व्यक्ति को उन्होंने अपना गुरु माना। तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने उनको गुरु मान लिया, उन्होंने एक छिपकली को भी अपना गुरु माना, तो ऐसा क्या देखा उन्होंने उसमें? तत्व, गुरु का तत्व वो होता है जो आपको अंधकार से दूर कराता है, आपके मन में जो डाउट्स हैं उनसे आपको फ्री करता है, उसे कहते हैं गुरु, और वो होता है गुरु तत्व। ठीक है, अब देखा जाए तो एज अ ह्यूमन बीइंग अगर देखोगे, मुझे एज अ पर्सन देखोगे, तो आपसे मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ, अनुभव में बहुत ज़्यादा छोटा हूँ,
आप मुझसे ज्यादा दुनिया आपने देखी है ना, अनुभवी हैं आप, लेकिन मुझ में शायद आपको वो तत्व नजर आता है गुरु का, इसीलिए आप मुझे गुरु का दर्जा देते हैं। मैं आपका गुरु नहीं हूं, निषाद मेरा नाम है, निषाद किशोर पांडे, मैं आपका गुरु नहीं हूं, मेरे अंदर का गुरु तत्व आपका गुरु है। इसी प्रकार से अष्टावक्र वो शारीरिक आठ जगह से टेढ़ा वो व्यक्ति राजा जनक का गुरु नहीं था, उसके अंदर एक तत्व, वो एहसास, वो फील उन्हें मिला, तब उन्होंने उसे साष्टांग प्रणाम किया पूरा लेट कर जमीन पर। तो ये चीज भी एज अ स्टूडेंट हमें मालूम होनी चाहिए। कहते तो हम यह हैं कि सब जगह से सीखते रहते हैं और लर्निंग कभी बंद नहीं होती एंड ऑल, है ना, वो हम सब मानते हैं, वो सब जानते हैं, पर उसके पीछे का कारण या रहस्य वो ये है कि गुरु तत्व आपको जहां मिलेगा वो आपका गुरु है। बालक से भी हम सीखते हैं तो बुजुर्ग से भी हम सीख सकते हैं। सीखने सिखाने के लिए उम्र जो है मेरे ख्याल से कोई दर्जा नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, एस्पेक्ट नहीं है कि अगर आप ये देखें कि एक फीमेल मुझे सिखा रहा है या एक मेल मुझे सिखा रहा है, या एक बच्चा मुझे सिखा रहा है कि एक बूढ़ा मुझे सिखा रहा है, है ना। यहां मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हो, थोड़ा सा फर्क है ना। सुनने में सिमिलर लगता है कि मैं आपको सिखा रहा हूं आप सीख रहे हो, वही तो हो रहा है, यही तो प्रोसेस है कि मैं दे रहा हूं आप ले रहे हो, पर बहुत फर्क है ना, कि मैं कोई ऐसा ज्ञानी नहीं हूं कि मेरे पास ही सारा ज्ञान है या मैं कोई बड़ा अनुभवी आदमी हूं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने फील्ड में मैंने कुछ चीजें सीखी हैं, जानी हैं, गेन करी हैं, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, है ना। कुछ कुछ बातें मैंने जानी हैं सीखने के बारे में, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास आपकी जो ली थी उसमें मैंने बताया था हाउ टू लर्न, सीखने से पहले ये सीखें कि सीखा कैसे जाता है, क्योंकि मैंने कुछ न सीखा हो भले ही, लेकिन ये जरूर सीखा है कि सीखते कैसे हैं, और वो अहम होता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये जानें कि सीखा कैसे जाता है। और उसी के साथ साथ मैंने अपने नज़रिए, अपने पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण भी बदले हैं और सीखे हैं, जाने हैं कि किसी व्यक्ति को किस तरह से देखा जाएगा। भाई देखने को तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे दादा गुरुजी हैं पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी, दादा गुरु अगर आपको कोई बोलता है कला फील्ड में, अगर कहता है ना मेरा दादा गुरु, तो दादा गुरु का मतलब ये नहीं कि वो आपके दादाजी हैं रिश्ते में, नहीं, दादा गुरु वो होता है जिनसे आपके गुरु भी सीखे हैं। आपने एक गुरु से सीखा, जैसे मैंने अपने पिताजी से सीखा है संगीत, है ना, जो अभी यहाँ पे बैठे थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने जिनसे संगीत सीखा और मैं भी जब उनसे ही संगीत सीख रहा हूँ तो वो मेरे दादा गुरु हो गए, ये रिश्ता बैठता है, है ना। जैसे अभी आप मुझसे सीख रहे हैं तो चलो मैं आपका एक बार के लिए कह सकते हो कि गुरु हूँ, तो मेरे पिताजी से भी अगर आप सीखते हैं तो वो आपके दादा गुरु हो गए। ये संगीत में एक थोड़ी सी, संगीत में कह लो, कला जगत में एक टर्मिनोलॉजी ये चलती है, रिश्तों के नाम ऐसे चलते हैं, है ना। जैसे आप आपस में आप गुरु भाई हुए, जो दो लोग अगर सीख रहे हो, जैसे आप सीख रहे हो और एक और कोई व्यक्ति आपके साथ सीखेगा और मुझे से सीख रहे हो, तो आपस में आप गुरु भाई हुए, है ना, ये रिश्ता रहता है, हमारी संस्कृति है, इस तरह से चलती है शास्त्रीय संगीत की, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आप, खैर आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि एक घराना परंपरा से आप सीख रहे हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड, हमारी जो परंपरा है, ये हमारा इंस्टीट्यूट है, ये एक तरह से घराना कह सकते हो आप इसे, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं जब आप सीख रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट कि आपने फ़ी पे करी और आप एजुकेशन ले रहे हैं, स्कूल वाली एजुकेशन और वो हो रही, नहीं, गुरुकुल वाली एजुकेशन है, भली वाया हम वीडियो कॉल ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर ये रिश्ता वही है, एक फैमिली का पार्ट है, आप SPW फैमिली का पार्ट है, ठीक है। तो खैर ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो मेरे दादा गुरुजी हैं, उनके एक बचपन के फ्रेंड हैं, ठीक है, जो उनके साथ में ही बड़े हुए हैं, उन्होंने उन्हीं से संगीत सीखा है, उमेश उनका नाम है, ठीक है, उन्होंने मेरे गुरुजी से संगीत सीखा है, फ्लूट बांसुरी वो बजाते हैं, बचपन के दोस्त हैं, लंगोटिया आ रहे हैं एकदम, बेस्ट फ्रेंड्स। जब भी मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करी है उन दोनों में, मुझे ये चीज़ बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और ये चीज़ मैंने सीखी है, और ये चीज़ मैं आपको भी आगे बताना चाहूँगा ताकि आप भी इन फ्यूचर जनरेशन बिटिया जब बड़ी होगी तो ये सारी चीज़ें वो भी अपने अंदर डेवलप करें जो मैंने डेवलप करी है, है ना। वो जब उनके साथ होते हैं तब मस्ती मजाक जो भी चल रहा है, वो यारी दोस्ती जो है वो है, लेकिन जब वो उनसे सीखने बैठते हैं कभी कभार, जब भी वो यहाँ बैठे और आसन पर गुरुदेव बैठे हैं, तो वो साक्षात एक बच्चे के स्वरूप में आ जाते हैं। उमेश जी जो उनके दोस्त हैं, एकदम बेस्ट फ्रेंड हैं, वो साक्षात स्टूडेंट और बच्चे के स्वरूप में आ जाते हैं, और फिर गुरुजी उन्हें डांट भी रहे होते हैं तो वो ये नहीं देख रहे हैं कि सामने मेरा बेस्ट फ्रेंड बैठा है, मेरा हम उम्र बैठा है, उनका नज़रिया दृष्टि ये कहती है कि सामने मेरे एक स्टूडेंट बैठा है, तो एक स्टूडेंट को वो स्टूडेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे कि वो बड़ा है, छोटा है, लड़का है, लड़की है,
सब समान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर फिर आपका स्टूडेंट तत्व काम करता है। आपको शारीरिक रूप से नहीं देखा जा रहा है, आपके लकब अलकाब नहीं देखे जा रहे हैं कि आपकी औधा क्या है क्या नहीं है, ये देखा जा रहा है कि आप एक स्टूडेंट हो, तो आप सबका स्तर समान है। अभी मेरे लिए आप दोनों का स्तर समान है ना। अगर मैं इस रिश्ते से आपसे मिलूंगा तो आप दोनों अभी मेरे लिए समान हो, क्योंकि सेम स्टेज पे आए हो, पहले ही दिन आए हो सीखने, है ना। तो दोनों का मेरे लिए तो दर्जा एक ही है, उसके बनिस्बत आपका, उसके अलावा आपका क्या रिश्ता है वो बाद की बात बनती है ना। अगर मैं एज अ पर्सन आपसे मिलता है ना, तो मैं आपको सल्यूट करता क्योंकि आप एक IPS ऑफिसर हैं, पर अभी एज अ टीचर मैं आपसे मिल रहा हूँ तो आप मेरे स्टूडेंट हैं। तो एक इंसान बहुत सारे रोल प्ले करता है, तो उन सब का उनको नॉलेज होना चाहिए। अब ऐसा होता है कि जब गुरुजी के सामने वो बैठते हैं तो गुरुजी उन्हें डांट भी रहे हैं, तो वो चुपचाप उस डांट को कबूल भी करते हैं कि नहीं हारा आप सही कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां से उठे, अब दोस्त वाले फॉर्म में आ गए, दोस्त वाले मोड में आ गए, तो अब वो ताली भी मार रहे हैं, एक दूसरे को गालियां भी दे रहे हैं, है ना। और अच्छी खासी दोस्ती जैसी उनकी है, जैसा रिश्ता होता है। तो ये मैंने उनसे सीखा है, जाना है कि इस तरह से रिश्ते निभाए जाते हैं अलग अलग मोड में, है ना। अगर आप पोइट्री में थोड़ी दिलचस्पी रखते हो तो निदा फाजली का एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, है ना। उसकी बहुत पर्सनालिटीज होंगी। मैं एक बेटा भी हूँ, एक टीचर भी हूँ, एक भाई भी हूँ, है ना। तो उसी तरह से भाई कोई किसी की बीवी भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, कई रिश्ते वो निभा रहा है एक इंसान एक बार में, है ना। और हर इंसान के साथ वो अलग ढंग से बैठेगा। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ तो एज ए टीचर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने गुरुजी के साथ होंगे तो एज ए स्टूडेंट मैं उनसे बात करूँगा, तो मेरा लहजा जो टोन है बात करने का वो बदल जाएगा, मेरे विचार एक्सप्रेस करने का तरीका वो बदल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसीलिए कुछ हमारे संस्कार होते हैं जो दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बोला था, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो सिर्फ मैं आपको सारे गमा पदनीसा अलंकार राग ताल लय यही नहीं सिखाऊंगा, जो कुछ मैंने संस्कार लिए हैं संगीत में वो सब मैं फॉरवर्ड करने की कोशिश करूंगा, तभी बेहतर होगा। वरना इसको मैं जस्ट अगर प्रोफेशनल वे में करने गया तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ एक रिश्ता डेवलप नहीं कर पाऊंगा, है ना। मैं सिर्फ आपको टिप्स ट्रिक्स और आपके एक घंटे का क्लास और आपके पेमेंट अनुसार आपकी क्लास वो देना पड़ जाएगा, और वैसा मैं हूँ नहीं, वैसा मैं वो ढंग में सिखाता नहीं हूँ मैं, है ना। म्यूज़िक इज़ वेरी इनफॉर्मल, अनौपचारिक विद्या है, इसमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, इसमें रिश्ता बनता है। ये आपको जानने की ज़रूरत है। आपका एक गुरु के साथ जो रिश्ता होता है ना, वो सबसे बड़ा रिश्ता होता है। मेरा मेरे गुरुजी के साथ इतना गहरा रिश्ता है जितना मेरे पिताजी के साथ भी नहीं है, है ना। मेरे पिताजी भी मेरे गुरु हैं, प्रथम गुरु मेरे वही हैं, लेकिन दादा गुरुजी के साथ मेरा इतना बहुत गहरा रिश्ता है, मेरी मन की जितनी बातें हैं उनको मालूम है, है ना, और उनकी कई बातें हैं जो मुझे पता है। तो एक रिश्ता बन गया है सिर्फ, और वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं, वो 60+ हैं मुझसे और मैं 22 का हूँ, तब भी मैं उनसे इतना गहरे रिश्ते से बात कर सकता हूँ। और मैं ये कहूँ ही इज़ अ फादर टू मी, इज़ लाइक अ फादर टू मी, ही इज़ लाइक अ फ्रेंड टू मी, ही इज़ लाइक अ मदर टू मी, सब कुछ है वो। तो गुरु एक्चुअली में वो होता है आपका। लोग गुरु और टीचर में फ़र्क नहीं समझ पाते हैं, लोगों को लगता है कि टीचर तो, क्योंकि हमने वही देखा है ना, अब बिटिया ने भी यही देखा होगा स्कूल लर्निंग में, और क्या होता है, आप स्कूल जाते हो, टीचर होते हैं, एक टीचर आता है, दूसरा टीचर जाता है, तीसरा टीचर आता है, आपकी क्लास बदलती है, फिर टीचर आता है, स्कूल बदलती है, फिर टीचर आता है, है ना। और वही एक घंटा 45 मिनट की क्लास में आप टीचर देखते हैं। हमने ये भी नहीं देखा होगा कि हम जाके किसी टीचर को प्रणाम भी करते हैं, चरण स्पर्श भी किए जाते हैं टीचर के। घर में तो चलो हम लोग करते हैं, संस्कार दिए जाते हैं कि बड़ों के पांव छुए जाएंगे, दादा दादी आए उनके पांव छुए, माता पिता के सवेरे उठने पर पांव छुए जाते हैं, ये संस्कार तो हम देते हैं। पर गुरु के साथ कैसे रिश्ता रखना है, ये हम स्कूल में आप उमूमन नहीं दिया जाता है, कोई स्कूल में ये करेगा नहीं, कि आपने नहीं देखा होगा, है ना। आप खुद जानती हैं आप कितने टीचर्स के पांव छूती होंगी जाके, है ना, बहुत कम, है ना। तो ये रिश्ता एक्चुअली हमारे संस्कृति का भाग है, तो मुझे लगता है कि ये भी मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं आपको सिखाऊं बताऊं, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखा है ना। मेरे पिताजी ने भी ये संस्कार ऐसे ही दिए कि भैया कौन गुरु है, किनके चरण स्पर्श करना चाहिए, और चरण स्पर्श की अहमियत, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। पांव छूना एक रिवायत नहीं है, बस रिवाज नहीं है कि बस पांव छुए जाते हैं। पांव छूने का कारण होता है, रीज़न होता है, वो गुरुत्वाकर्षण होता है, जिससे वो एनर्जी आप तक ट्रांसफर होती है। जैसे कि आपने बोला कि गुरुत्व वो तत्व जोड़ता है एक दूसरे को, एक रिश्ता बन जाता है। तो जब आप चरण स्पर्श करते हैं दोनों हाथों से, चरणों को छूकर, अपने हाथों के नाखून से जब उनके चरणों के नाखून टच होते हैं, तब वहां गुरुत्वाकर्षण बनता है, जो कि धरती का मेन अंग है। ग्रेविटी, ग्रेविटी होती है धरती पे, ये साइंस है, और यही साइंस हमारे चरण स्पर्श में भी काम आती है। इन नाखूनों में मिट्टी होती है,
इन नाखूनों में मिट्टी होती है और सामने पैरों के नाखूनों में भी मिट्टी होती है, तो जब मिट्टी से मिट्टी जुड़ती है तो वहां से ज्ञान ट्रांसफर होता है। गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, ग्रेविटी खींचती है आपको, है ना, वो जोड़ जोड़े रख रही, वरना हवा में तैर रहे होते अभी, तो यही होता है, ज्ञान ट्रांसफर होता है इससे। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और जब आप अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हो या उसकी गुरु वंदना कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस शरीर, उस आकार, उस नाम, उस ओहदे की नहीं कर रहे हो, उसके अंदर के तत्व की कर रहे हो, है ना। तो बिल्कुल कभी इसमें शर्म झिझक ये मत रखना अगर आपका कोई गुरु बनता है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे प्रणाम करो, पर मैं एक चीज़ आपको देकर जा रहा हूँ क्योंकि मैं करता हूँ, है ना। और मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगता है, बड़ी बड़ी उम्र के लोग आकर अगर मुझे चरण स्पर्श करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं अपने आप को उस लायक समझता नहीं हूँ कि मैं किसी का गुरु हूँ या ऐसा कुछ। मैं अपने आप को जस्ट एज अ गाइड समझता हूँ, मददगार समझ लेता हूँ कि जो कुछ मैंने जाना सीखा है, मैं जस्ट आई एम जस्ट फॉरवर्डिंग इट। क्यों, ये भी मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी शास्त्रीय संगीत हमें सिखाता है, हमारे गुरुओं से हमने सीखा है कि ज्ञान लेकर संकुचित मत करो उसे अपने तक, उसे बांटो। ये हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, हम देने में विश्वास रखते हैं। मैंने जो कुछ सीखा आज मैं उसे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वरना मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, why would I teach someone और उसको मैं अपना कंपिटिटर क्यों बनाऊंगा। आप बताइए ना, मैं खुद एक कलाकार हूँ, खुद एक गाना गाने वाला हूँ, तो मैं क्यों मेरे जैसा किसी को खड़ा करूँगा सामने। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा ना कि कल को बिटिया अच्छा सीख जाएगी, जो कुछ मैं अपने राज, जो कुछ मैंने सीखे मैं सब उनको सिखा रहा हूँ, कल को वो मेरे सामने बराबर आके दर्जे पे खड़े नहीं हो सकते क्या। बिल्कुल हो सकते हैं, मैं इस काबिल उनको बना सकता हूँ, उनको वो सारी चीज़ें मैं सिखा सकता हूँ जो कुछ मैंने इतने सालों में सीखी हैं, जो कुछ मैंने घंटों रहकर, घंटों रियाज कर गुरु की सेवा कर सीखी है, वो मैं सारी बातें इनको बता सकता हूँ, है ना। तो मैं क्यों करूंगा ऐसा, जब फिर इससे तो मेरे कंपिटिटर बन गई है, प्रतियोगिता हो जानी है फिर तो, यहाँ पे ये मुझसे आगे निकल सकते हैं, चांस से गुंजाइश है। पर ये हमारा शास्त्रीय संगीत हमें नहीं सिखाता है कि आप अपने आप तक रखो, जो कुछ आपको मिला उसे बांटो, प्रचार प्रसार करो, शास्त्रीय संगीत को फैलाओ। इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं इस लाइन में हूँ। क्योंकि कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पे मुझे कहते हैं कि यार ये तो क्या है, इतनी सी उम्र का लड़का है और बातें तो इतनी बड़ी बड़ी, है ना, कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें, गहरी गहरी बातें करता हूँ, रिश्तों की, संस्कारों की बातें करता हूँ, मैंने अभी देखी कहाँ है दुनिया, है बाल भी मेरे सफ़ेद नहीं हुए अभी तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो एक हो जाता है ना कि हाँ इसका कोई एक्सपीरियंस होगा, तभी वो कहता है भाई धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, है ना। तो ये कुछ बातें होती है, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी लगती है, क्योंकि मैं ये दुनिया की नहीं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ ये काम करके, है ना, क्योंकि गुरु की सेवा हो रही है, क्योंकि मैंने जो आपसे लिया है उसका ऋण तो मैं चुका नहीं सकता, कि जो कुछ मैंने सीखा है, इतना गहरा रिश्ता है, मैंने बहुत कुछ, मेरा पूरा जीवन सीखा है मैंने अपने गुरुओं से, तो मैं उनका ऋण जो है, वो कर्ज जो है, मैं कभी अदा नहीं कर सकता, है ना। तो मुझे क्या करना होगा, उनका लिया हुआ ज्ञान मैं बांट रहा हूँ, दे रहा हूँ, ठीक है।